Hello friends, welcome back. My name is Sushma Singh. I'm an author and a transformation life coach. So, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में. तो हम सब जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, एक अचीवर बनना चाहते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज्यादा हो. तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है. तो आखिरी तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी टिप्स मिलने वाले हैं और अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बहुत बूस्ट होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारा अच्छा होता है तो उसके फायदे क्या होते हैं. सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो हमारी एक्चुअली मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. हमारा अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, हमारे रिलेशनशिप बाकी सब लोगों से बहुत अच्छे होते हैं, रिजिलियंस बहुत बढ़ता है. मतलब अगर हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है हम बहुत इजीली बाउंस बैक कर सकते हैं कंपेयर टू कि वहीं बैठे रह जाने की. अगर प्रॉब्लम कुछ आई है तो हम उसको लेके बैठ जाते हैं. सो हमारी जो रिजिलियंस होती है, बाउंस बैक करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स है या कौन कौन सी हैबिट्स है जो आप अपनी लाइफ में अगर इनकॉर्पोरेट करें तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा सकती है. तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए. आप हमेशा ये सोचिए कि आप जिसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आप एक तरह से एक एनवी जिसको बोलते हैं ना जेलसी वाला फैक्टर अपने अंदर ला रहे हैं. वो क्या कर रहा है, वो जो जेलसी वाला फैक्टर है आपको आपकी सारी एनर्जी सकअप कर दे रहा है. आप उस भावना, वो एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है और वो हो जाती है, बहुत नॉर्मल है अगर हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं तो हमेशा खुद को छोटा देखते हैं और उसे बहुत बड़ा समझते हैं. तो आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए क्योंकि आपकी खुद की बहुत सारी क्वालिटीज हैं. आप अगर ये फोकस करें कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, अगर आप उसके ऊपर फोकस करें और खुद को एक्सेप्ट करें इससे पहले कि दुनिया वाले आपको एक्सेप्ट करें, आपकी जो भी शॉर्टकमिंग्स है मतलब जिसमें आप थोड़े पीछे रह जाते हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ है उन सबको रिकग्नाइज कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए. ये बहुत बहुत जरूरी है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. दूसरी चीज ये है कि आप हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. क्योंकि देखिए हम हर एक ह्यूमन बीइंग में, एज अ कोच स्पेशली मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम सब ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ एक स्पेशल गिफ्ट है हम सब के अंदर. हम सब किसी न किसी एक चीज में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं दूसरों के कंपेयर में. तो आप हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आपका वो क्या गिफ्ट है, आपकी वो क्या स्ट्रेंथ है. अपने आप को याद दिलाइए कि वो गिफ्ट यूज करके आपने खुद को, अपनी फैमिली को कैसे सर्व किया है और दूसरे लोगों को उस गिफ्ट को यूज करके किस तरह से सर्व किया है. तो अपने अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उसे रिमाइंड कीजिए. अच्छे काम जो आपने किए हैं, दूसरे लोगों की मदद की है, स्पेशली ये सब चीजें जो है जब हम खुद के लिए करते हैं तब हम शायद अपने आप को इतना अप्रिशिएट नहीं करते, बट अगर जब हम किसी दूसरे लोगों की लाइफ बेटर बनाते हैं या किसी तरह से उनकी लाइफ एनहांस करते हैं तो वो हमें एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस देता है. तो आई एम वेरी श्योर आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने दूसरे लोगों के लिए की होगी. सो अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आपने आपके अंदर खुद बहुत अच्छी क्वालिटीज है और उन क्वालिटीज को यूज करके आपने दूसरों की लाइफ भी बेटर की है. इससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बढ़ेगा. तीसरी चीज ये है कि आप गोल सेट कीजिए. सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट कीजिए. अगर आप छोटे छोटे गोल पहले सेट करते हैं और उसे अचीव करते हैं तो आपको खुद भी पता है कि जब हम छोटी चीज भी कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना है या मेडिटेशन करना है और मैं अगर उसे कर पाती हूँ, वो सिर्फ 10 मिनट है बट इफ एवरी सिंगल डे मैं उसे कर पाती हूँ तो मुझे ना एक खुद एक कॉन्फिडेंट फील होता है कि हम सबके साथ होता है. सो पहले छोटे छोटे गोल्स भी सेट कीजिए, उस पे काम कीजिए, उसे अचीव कीजिए. आपको देखना खुद से बहुत अच्छा एक बूस्ट फील होगा और फिर धीरे धीरे अपने गोल्स बढ़ाते जाइए. इससे आपको बहुत बहुत आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ेगा. चौथी चीज ये है कि आपका सेल्फ टॉक,
ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ क्या बात करते हैं। बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे जो वाइज पीपल जिनको बोलते हैं, उन सब ने कहा है कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खुद के बारे में खुद से क्या बोलते हैं वो बहुत 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 जरूरी है। तो इसलिए बहुत कॉन्शियस रहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप हमेशा खुद के साथ क्या बात करें। कहीं आपकी लैंग्वेज ये तो नहीं होती, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो मैं हमेशा कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं ट्राई ही क्यों करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी फ्रेंड है, शी इज अ लिटिल लाइक हैवियर, थोड़ी सी हेल्दी है, तो मैं जब उसे जब भी एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करती हूँ तो शी इज ऑलवेज लाइक, ये उसका सेल्फ टॉक भी है कि यार कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ करती हूँ और वो होता नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग। तो वो अपने आप को यही बोलती रहती है कि देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग, मैं तो वेट लूज ही नहीं कर सकती, सो वो उसका सेल्फ टॉक है। इंस्टेड जब मैंने उसे ये समझाया कि ये सोचने की बजाय उसे ये सोचना चाहिए कि ठीक है, इट्स ओके, मेरा वेट ज्यादा है, बट अगर मैं ट्राई करूंगी, मैं एक्सरसाइज करती रहूंगी, तो मैं डेफिनेटली वन डे आई विल अचीव इट। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप खुद से क्या बात करते हैं, अपने आप को अपॉर्चुनिटी दीजिए चीजें ट्राई करने के लिए, ओपन रहिए नई नई चीजों के लिए। तो ये सब चीजें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ाने में आपकी बहुत बहुत ज्यादा मदद करेंगे। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों के सराउंडिंग में रखिए। देखिए, जिम रॉन वो कहते हैं कि अगर आप जिस तरह के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप किन लोगों के साथ, क्या जिन लोगों के साथ आप अपना मैक्सिमम वक्त बिता रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इंकरेज नहीं करते हैं। तो आप प्लीज उन लोगों को, जिनको हम नेगेटिव टॉक्सिक पीपल कहते हैं, उनको प्लीज अपनी लाइफ से रिमूव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बहुत एक पर्सनल डेवलपमेंट का या एक इंसान को, एक सोल को ग्रो करने के लिए सबसे एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो आप किस माहौल में रह रहा है, किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो प्लीज इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि वो लोग जो आपके आसपास है वो हमेशा एनकरेजिंग हो, आपको हेल्प करे आपकी अच्छाइयां देखने में, आपको ग्रो करने में, उन्हें फीडबैक देने, तो दे शुड बी पॉजिटिव। लाइक ये आप खुद समझ सकते हैं कि कौन आपको सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है और कौन जेन्युइनली आपको फीडबैक देने की कोशिश कर रहा है ताकि आप इम्प्रूव करें, तो आप वो समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए जो आपको एनकरेज करते हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में बहुत बहुत आपकी हेल्प करेगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप एक्सरसाइज करें, मतलब अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब हम अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हम फिजिकली अच्छे दिख रहे होते हैं एक्सरसाइज करने की वजह से, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे हॉर्मोन्स, फील गुड फैक्टर आता है। तो एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, सेल्फ केयर रूटीन बनाएं अपना, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहली चीज जब हम फिजिकली अच्छे दिख रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। प्लस एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ दोनों बहुत अच्छी तरह से होता है, बैलेंस होता है। आप ज्यादातर टाइम अच्छा फील करते हो क्योंकि कुछ हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से आप अच्छा फील करते हो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। प्लस आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, आपका माइंड का जो फोकस है वो बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने की वजह से, तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे, तो उसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा और आपकी जो कोऑर्डिनेशन होती है फिजिकल एंड मेंटल बॉडी की वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। सो अल्टीमेटली ये चीजें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में बहुत बहुत मदद करेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज इन्हें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा, क्या आपको उससे कुछ फर्क पड़ा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।